ग्वालियर में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय को आमंत्रित किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के हित में काम करते रहे हैं। आपको बता दें कि अजय राय बीते लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी से चुनाव लड़े थे। उनका दावा है कि इस चुनाव में मोदी सरकार अपने घुटनों पर आ गई थी और उन्होंने पीएम मोदी को 2 राउंड की वोटिंग में पीछे कर दिया था। इस दौरान उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा और कहा ओवैसी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है और वह समाज को भड़काने की राजनीति करता है। कम संख्या पे नहीं लाए, घुटने के बल बैठा दिया मोदी जी को, घुटने के बल वहां बैठा दिया, 4 राउंड पीछे किया उनको, 4 राउंड पीछे थे और प्रशासन से लेके शासन से लेके सारा पूरा का पूरा तंत्र, जितने लोग थे वहां पर सबका दुरुपयोग किया इन्होंने। दुरुपयोग करके चाहे वो माफिया हो चाहे डॉन हो, जितने लोग हैं सबका उपयोग किया, पूरा गुजरातीकरण किया, सारे गुजरात के लोगों को लाके बैठाया, पैसे बंटवाए, उसके बाद भी जीतने में छक्के छूट गए। और इनको मैंने जो 6 लाख वोट पिछली बार जीते थे, इस बार 1.5 लाख पे ले आए और जो 65,000 वोट इनका कम किया पूरे वोटों में। और ये ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मिलकर काम करते हैं, कुछ ऐसा बयान देते हैं कि जिससे हिंदू और मुसलमान का बंटवारा हो, जिससे उनका फायदा हो। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।